हमारे घर में इतनी महंगी चीज दे गए, एक भाई बाहर के जो भाई है, मेरा एक 4 साल का बेटा, एक मेरा 8-9 महीने का बेटा, हाँ मारी क्यों वो करन लग रहे हर एक चीज करन लग रही, जड़े भी बतान लग रहे उड़े सारे। मेरी मम्मी इतनी दूर गई थी, क्यों धक्के खाने पड़ते जो अपने घर में राम तो टिकदा क्यों। राम राम जी सारे ने, और कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और आपके घर परिवार में भी सारे जने बिल्कुल ठीक होंगे। ये भाई काम करके फ्री हुए हैं, हमारे बच्चे उड़े खेलने लग रहे हैं दाती हुए, सुबह सुबह उरी बैठे हैं गुरे ठंडी हवा चल रही है, प्रेम प्यार से राम राम जी सारे ने मेरे और तभी बहन भाई है ना। तो भी आज हम बहुत ज़्यादा लेट उठे, वैसे तो हम जल्दी उठे कर रहे थे, पर रात भर लाइट को नहीं थी, पूरी रात भर मां ने अपने बच्चे पर बिछड़े झोल ले, कभी मेरी दादी झोला कभी मैं, और फिर मेरी दादी उठ के बाहर आ गई थी, उड़े सोन लगी पर मच्छरों ने खा ली, तो बच्चे भी मच्छरों ने खा ली। दादी की आंख देखिए, दादी की आंख रोज सूजी पाव है, आज फिर सूझ रही है दादी की आंख, उड़े और आज बिल्कुल सूझ रही दादी आपकी, क्यों इतनी टेंशन नहीं लग रही हो, जिसने शर्म होंगी नहीं वो जावे ही कोनी था ना। मैं कोई टेंशन टूंशन लंदी बसी, मैंने तो छोड़ दिया, आज तो जी करा तो सहम लेगा ऐसा कर लेगा। जिस बंदे ने शर्म हो है फिकर हो है वो इसे काम को नहीं करे करता, मामू रे टेंशन में मरन लग रही है सारे। मेरी मम्मी इतनी दूर गई थी, क्यों धक्के खाने पड़ते जो अपने घर में राम तो टिकदा क्यों, मन इतने पैसे बर्बाद करने पड़ते, मारे इतने पैसे लगन लग रही थे, पर उस बंदे ने कोई फिकर नहीं हो अपने मस्ती में घूम रहे हो, उधर होगा अपना जो कुछ काया है सारा तो कर लिया, लाइट ही नहीं आ रही, जमा भी इतने दुखी हो रही है जमा, कोई भी नहीं कहता उरे इतने मतलब कि लाइट ठीक करा, तो कुछ नहीं लाइट खराब आ रही कल की, कभी डिमा हुआ कभी ज़्यादा हुआ कभी कम कभी ज़्यादा, तो किसी ने भी जब लाइट का डांटा सारे मस्त है उरे, तो कोई मम्मी इतने तंग हो रहे मारे बच्चे तंग हो रहे, ऊपर तो मारा जो इन्वर्टर ही होता तब भी कोई दिक्कत नहीं, पर इन्वर्टर भी कद लग चलता चार्ज होता वो ख़त्म हो जाता, कोई तो करेगा कल दोपहर की लाइट वाली मारी हो रही कल्याण की सहरें की हो रही, कोई तो करेगा कदे तो करेंगे भी वो ही रहेंगे कल और के करेंगे भी। मम ने अपनी को रही मेरे बच्चे की है सच्ची, हाँ कुछ उनके उसके खर खर हो रही कल की छत्ती में भी, और उल्टी लागा कभी कभी डॉक्टर तभी दिखाना था, वो पहले भी 3,000 की दवाई ले आई मम उसकी ठीक हो गया था, फिर हो गया उसके बाद जाऊँ लेकर आज कल के थक रही जमा इतने सारा दिन की रात ना सारी रात नहीं लाइट आई, नहीं देखूँगी समझे समझे टाइम कर का जो आ गई तो टिकेगी लाइट कर ले भाई। मैं तो गर्मी भी होने लागे करे क्योंकि जिसका वजन थोड़ा ज़्यादा हो रहा है मोटे आदमी का, तो गर्मी भी ज़्यादा लागे करे, बुरा हाल हो रहा पूरे शरीर में गाम ही गाम निकल रहा गर्मी में मर के जाना। चलो भाई थोड़ा बहुत काम कुम कर लिया कुछ काम धंधा, बच्चे भी गुन्नू खेत में गया चाची के लोग, गुन्नू तो फिर खेलता रहा, फिर गुन्नू की टेंशन को नहीं रहती उसकी छुट्टी है ना, तो रुंदा ही रहा साथ सुबह सुबह जब नींद वर्क सो जाता तो अभी थोड़ा बहुत काम कर। मेरी मम्मी कढ़ाई करने लग रही है जो पंडित जी ने कहा था, मम कोई कसर नहीं कल छोड़न लग रहे जो नहीं कर, सारी चीज़ जो चुपता लग रही है वही करने लग रही है मेरी मम्मी सुबह की। राम राम जी सारे ना मेरे को तो विधान भाई ना तो जो भी बता रहा था करन लग रही और क्यों करन मेरी मम्मी तक जा रही हर एक चीज़ करन लग रही, जड़े भी बतान लग रहे उड़े वो पंडित है उड़े वो है, तो सारी चीज़ करन लग रही, कल भी इतने दूर गई और इतनी रात को आई और आज भी बेचारी बनान लग रही है, और मेरी दादी अंदर बच्चे ले रही है, मेरी दादी भी बेचारी परेशान हो रही है गर्मी में, लाइट आए तो है पर इतनी डिम है कुछ इसके तबीयत को नहीं ठीक, नीचे के भी और ऊपर के भी दांत निकले इसके कट्ठे दो चार चार दांत, फिर उसकी वजह से इसकी तबीयत कोई के लिए भी ठीक हो रहा है, पूरा बैठा है उसी खेला है उसी रोवे टिकने दंदा गर्मी में दादी फिर बच्चे का क्या। तो वही दोपहर का टाइम हो गया है और मैंने अपनी दादी चाय बना के दे दी थी, मेरी दादी ने अभी चाय चू पी ली, मेरी दादी तो आजकल मम कम ही चाय देने लग रही क्योंकि भाई गर्मी भी बहुत हो रही है और चाय इतनी वो है, तो आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि दीदी चाय थोड़ी पिया करो और दादी से थोड़ी दिया करो, तो भाई मैंने दादी तो थोड़ी दी, और भाई आप लोगों को तो ऐसे हमारे लाइट ख़राब हो रही है 2-3 दिन हो गए लाइट ख़राब हो रही है, और लाइट ठीक होने में भी टाइम लगेगा और गर्मी इतनी हो रही है, हमारे बैटरा भी ख़राब हो रहा है, इन्वर्टर का बैटरा भी ख़राब हो रहा है, उसका बॉक्स भी ख़राब हो रहा है, और हमारा इतना बेहद को नहीं था ही बाल कि मम नया बैटरा ले क्योंकि 10-15 हज़ार का तो आवा ही है भाई नया जो इन्वर्टर दर आवा मम, तो बच्चे इतने परेशान होने लग रहे गर्मी में रो रो कर रात भर, मेरी दादी ने बिजना झोल लिया बच्चे पे आज सारा दिन हो गया सारी रात सारा दिन, और भाई
आज मतलब हमारे घर में इतनी गर्मी में मरण लग रहे थे हमारे बच्चे, और हमारे घर में इतनी महंगी चीज़ दे गए। एक भाई बाहर के जो भाई है हमारे, उन्होंने हमारी इतनी परेशानी दूर करी कि उनका धन्यवाद करानी वो भी कम है। न्यू नहीं समझ आ रहा मैं किन शब्दों में उनका शुक्रिया अदा करूँ जिन्होंने हमारी यह संकट दूर कराया। हमारे घर में भाई बेटर अदर आके गए हैं, भेजा उन्होंने, और क्या बोलते हैं अब मन किसी और पे लगवाना पड़ेगा, और इबालो जिन पे लगवाऊंगे उन्हें टेम को नहीं। न्यू बोले भाई शाम नहीं आऊँगे अब हम लगवाने में। भाई आज की डेट में भी दुनिया में इतने अच्छे इंसान है बिना बताए पूरे हमारे घर में बेटर अदर के गए। माने किसी से भी नहीं कहा माने किसी चीज़ की ज़रूरत है, पर उस भाई ने खुद ही पता नहीं के सोचा होगा जो हमारे घर में बेटर अदर आके गए। और पता नहीं मेरे बच्चे देखे होंगे, मेरे बच्चे के आप लोगों देखो परसों उल्टी लग गई थी कुछ, इसका खांसी सी हो रही है गर्मी की वजह से, मैं भी सारी गिल्ली कर गई थी और मेरी दादी भी इतनी उल्टी लग गई थी। है कि लोगों की दया धर्म देने वाला ने भी न्यू सोची इतनी गर्मी में मेरे पति को तो शर्म है नहीं भाई, वो तो जा रहा है देखो उसने अपने बच्चे की नहीं अपनी बीवी की नहीं सुना। मेरे बच्चे गर्मी में परेशान बीमार हो रहे, दवाई तो कुछ वो नहीं है उसने। और जो बाहर के बंदे वो हमारा इतना साथ देने लग रहे, इतना प्यार करने लग रहे, इतना धन्यवाद करेंगे। पर सच बताओ नहीं भाई मतलब अपने बच्चों की इज्जत, हमारे इन्वर्टर की बहुत जरूरत थी, पर माने किसी तरह की माने जरूरत है कमेंट भी आ रही थी दी आपको किसी चीज़ की जरूरत हो तो बता देना, पर मतलब माने किसी चीज़ की जरूरत को नहीं थी, पर वही इन्वर्टर की तो सच्ची बतानी बहुत जरूरत थी। और मम खुद भी सोच रहे थे भाई किसी पता पीछे लेकर मम इन्वर्टर दे, पर उन भाई ने खुद ही हमारे घर में इन्वर्टर लिया दिया। और एक बात और बताना चाहूँ, लोग हमारे ऊपर झूठी वीडियो बनाने लग रही है पीछे कमाने के, हमारी न्यूज़ सोचा है लोग कि इनके ऊपर के कुछ ना कर दे हम, आप लोग भी देख दे होगा कितनी घटिया घटिया वीडियो बनाने लग रहे हैं लोग। और मैं उन तन्यू कहना चाहूँ एक परेशान मतलब इतने परेशान है मम क्यों माने और दुखी करो था मेरे छोटे छोटे बच्चों का नहीं देख लियो, क्यों माने जब न्यू हो रहे थे क्यों हमारे पे वीडियो बना के मिलेगा था कोई अफवाह फैलाने लग रहे हो हम न्यू है फलानी है, एक तो सुधर जाओ थोड़े से मेरे तरफ मतलब मेरे जगह एक बार खड़े होके देखो मैं कैसे जिंदगी काटने लग रही हूँ समझ गए। हाँ खुद मेहनत करो खुद कमाओ दूसरों को ऊपर धर के क्या जिंदगी मेरी बर्बाद करने लग रही है। मेरे छोटे बच्चे हैं इनके हमारे बारे में सोचो, मेरे इस टाइम नहीं हो रहा मेरा दिमाग पार्टनर ने जब मैं यार कहते देखूँ नहीं थारी तो मतलब थोड़ी सी तो शर्म कर लो कि एक दुखी औरत ने क्यों ज़्यादा ही दुखी करने लग रहे हो तुम, जो थारी गलो न्यू बन दी नहीं थम तो चिंगाड़े मारते, पर मैं फिर भी खड़ी हूँ इनके साथ हुए तो घटिया इंसान है ये नहीं को अगली मचलाली ऐसी है मचलाली वैसी है, पर एक दो दिन तो थारी वीडियो चल जाएगी जो मेरे ऊपर वीडियो बनाने लग रहे हो नहीं थम व्यू के चक्कर में थम एक दो दिन तो मेरी वीडियो डाल दोगे और सब्सक्राइबर भी थारे थोड़े घने बढ़ जाएंगे, लेकिन उसके बाद क्या करोगे थम उसके बाद तो थारे वही व्यू आओगे तो मतलब जिसकी थोड़ी चलती वीडियो देखा है नहीं उसी के ऊपर दर के थम वीडियो बनाने लग जाओ झूठी अफवाह फैलाने लग जाओ। तो प्लीज़ मैं आप लोगों को हाथ जोड़ के विनती करूँ क्यों अपनी भी इमेज घटाने लग रहे हो और क्यों मेरा भी दिमाग खराब करने लग रहे हो, खुद मेहनत करो। मैंने पहले भी कहा था भाई खुद मेहनत करो सब आपका साथ देंगे, अगर गलत काम करोगे ना तो कोई आपकी तरफ देखेगा भी नहीं, तो हाथ जोड़ के विनती ऐसा काम ना करो जिससे मैं भी परेशान हूँ और मेरा परिवार भी परेशान हुआ, मेरे छोटे छोटे बच्चे भी देखे मेरा छोटा बेटा हमारे मेरा एक 4 साल का बेटा एक मेरा 8-9 महीने का बेटा हाँ मारी क्यों वो करने लग रहे आप इसने ना थोड़ी देर बाहर ले जाओ टुकू ने छोटे ने, फिर दादी भी बेचारी 7 दिन परेशान हो आई खेलेगा थोड़ी सी देर, गुन्ने ले जाओ 7 दिन भी तरी रहा गर्मी में परेशान हो गए रोन लग रहे चिड़चिड़े से हो रहे दोनों जने। आज ले जाऊंगी आज बेटे आ जा आ छोटे ने ले जाओ फिर मैं आ जा मैंने क्या लेना आ जा आ जा बाहर से धुआ कर ले आऊंगी पैसे नहीं दे देना कहाँ था ले आवा बेटे पैसे 7 दिन तंग हो रहे पैसे बिना जी हाँ के दुआओ ते ना फिर भी आ जा नहीं पैसे पैसे करता ले आऊँ रोज पैसे 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 सारे दिन मरा कोई कुल्फी आले ना लिखड़न देता नहीं कभी सारे दिन जो मैं पैसे कहाँ था ले आऊँ बेटे। तो भाई आज मैं ज़्यादा ही गुस्सा हो गई, पर गुस्सा भाई गुस्सा तो आ ही जाता है जब लोग इतनी गंदी हरकतें करते हैं, पर आप लोग प्लीज़ बुरा मत मानना आप लोग मेरा परिवार हो, और भाई अगर परिवार में कोई गंद फैलाएगा तो गुस्सा तो आता ही है, लोग मेरे ऊपर दर दर के वीडियो बनाओ हैं
कुछ व्यू के लिए, इन्हें सोचा भाई हमारी कमाई हो जाएगी, हमारे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, और भाई मैं मतलब पता नहीं कैसे इंसान है इस दुनिया में, और मैं पहले इतनी दुखी हूँ और मैंने और दुखी करा फिर लोग, और मतलब यूँ नहीं सोचते भाई कि या पहले कितनी परेशान है, अच्छा वो तो करने की बजाय गलती वो करते हैं भाई, गंदी फैलावाएं। तो मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करूँ, प्लीज़ गंद मत फैलाओ, और आप भी अच्छी मेहनत करो तभी सफल होगे। और एक बात, उन भाई जिन्होंने हमारे घर में इन्वर्टर धराया उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, उनके बच्चे बिल्कुल हमेशा खुश रहे, मेरी उम्र भी उनको लगे जिन्होंने इतना अच्छा काम करा। देखो आप लोगों को तो एक बात और कहना चाहो, कहीं कमेंट भी आओ कि दीदी आपको पैसे की ज़रूरत है, आप लोगों को किसी और चीज़ की ज़रूरत हो प्लीज़ बता दो, अपना अकाउंट नंबर दो। मैं हाथ जोड़ के विनती करूँ, मुझे पैसे की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, पर आप लोग मेरे बारे में इतना सोचते हो ना, उसी के लिए भी मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा कैसे करूँ मुझे नहीं पता, मैं कह भी नहीं सकती, क्योंकि आप लोग मेरे बारे में इतने दूर दूर के हो आप मेरा परिवार हो, पर फिर भी आप लोग मेरे बारे में इतना अच्छा अच्छा सोचते हो, मतलब मैं क्या होता हूँ आप लोग इतनी सोचते हो, इतनी भाई कि भाई ने तो घर आई देखे इन्वर्टर भी दे दिया हमारे, पर मैंने कुछ नहीं चाहिए, आप इन्वर्टर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने चलो ये तो डरा दिया, पर आगे तो प्लीज़ अब देखो मैंने कुछ नहीं चाहिए, मैंने सिर्फ आपका प्यार चाहिए, इस मुश्किल घड़ी में आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, क्योंकि जिस दौर से मैं गुजरने लग रही हूँ नहीं वो मुझे ही पता है, बहुत कम लोग समझ सके इस बात में, जो मेरा साथ देने लग रहा है सिर्फ वही समझ सके मेरी प्रॉब्लम में। मेरा बेटा देखो आप लोगों ने दिखता होगा कितना कमज़ोर हो रहा है आजकल, ठीक हो रहा था मतलब इसकी सेहत ठीक हो रही थी कुछ दिन पहले, पर इतना कमज़ोर हो गया, रुक रुक है। हाँ बेटा है ना, मेरी दादी भी बाहर जा रही थी, मेरी दादी के एकदम चक्कर से आया, बच्चे ने दे थी बस दिया है बेचारी अभी तक, घर बिगड़ नहीं हो रही भाई, मेरी दादी का भी क्या कसूर, अगर मैं मारे नहीं चक्कर आऊँगा अच्छे खासे, मेरी दादी का तो ये बुढ़ापा भी आ, देखिए पानी ले आऊँ दादी, दादी पानी ले आऊँ, चलो आराम कर ले ला, इसने मैं रखूंगी थोड़ी देर, यू भी किसी पर नहीं रहता इसका भी, आजा बेटा इसने नहीं हो रही, मैं इसने छोड़ इसमें की है, मैं हवा लगाऊंगी बेटा, इतनी गर्मी गर्मी में मारे यहाँ तो मतलब इतना ठंडा मौसम है नहीं, मैंने इतनी आदत को नहीं थी, और उधर तो सारा कुछ है मेरी दादी के तो बेचारी के, मेरी मम्मी रोज फोन करे आज कब तक झेलेगी, पर मैं तो भी नहीं जानती, मैंने हर कठिनाइयों का सामना करना है, मैंने उरी रहना, मैंने करके दिखाना कि हाँ भाई मैं किसी की बेटी हूँ और किसी की बहू हूँ, दूसरे मतलब आर को नहीं मान सकती मैं, आर मानूंगी तो मेरे बच्चे ने थोड़ी वो करूंगी, जब मैं आर मान जाऊंगी मेरे बच्चों ने कौन पालेगा कौन संभालेगा। और आज का ब्लॉग कैसा लगा भाई बता दियो, और आप लोग ऐसे ही प्यार करते रहियो, सहयोग करते रहियो, इस कठिन समय में मेरा साथ देने लग रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे भाइयों ने मेरी बहनों ने सभी ने राम राम नमस्ते।